वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान शिवजी एवं भगवती पार्वती के बड़े पुत्र हैं। लोग उनकी पूजा शुभारंभ के देव के रूप में इसीलिए करते हैं कि वह बाधाओं को दूर कर उन्हें सुख सौभाग्य देता है। गणेश को सूंड के साथ हाथी का सिर, एक दांत, बड़े बड़े कान और छोटी छोटी आंखें हैं। उनका बड़ा सा पेट है जो सांप से बांधा गया है। वह चूहे पर सवार है। गणेश ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? यह एक बड़ी लंबी कहानी है। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी। उसने अपने सेवक नंदी से कहा, मेरे दरवाजे के बाहर पहरा देते रहो। जब तक मैं स्नान करती हूँ, तब तक किसी को अंदर आने नहीं देना। पार्वती जैसे ही तेल लगाकर उबटन चंदन लगाने लगी, उसने किसी के पदचाप सुने। उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पति शिवजी अंदर आए। पार्वती शर्म से लाल हुई। उसे नंदी पर क्रोध आया कि उसने पार्वती की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवजी को अंदर आने दिया था। उसने शिवजी से कहा कि उसने नंदी को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा किया था ताकि वह किसी को अंदर आने न दे। यह सुनते ही शिवजी जोर से हंस पड़े और बोले, ओह, मैं उसका स्वामी हूँ, वह मुझे कैसे रोकता? पार्वती ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को निर्माण करेगी जो केवल उसी की आज्ञा का पालन करेगा, किसी अन्य की नहीं। अगले दिन स्नान करते समय उसने अपने शरीर से तेल, चंदन और हल्दी मल मल कर निकाला। उससे एक सुंदर छोटा लड़का बनाकर उसमें प्राण फूंके। उसने उसे बेटा कहा, उसके हाथ में एक लाठी दी और दरवाजे के बाहर पहरा देने खड़ा किया। तब वह स्नान करने चली। हाथ में लाठी लिए आज्ञाकारी बालक दरवाजे पर खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में शिवजी आए, मगर लड़के ने अंदर जाने से उन्हें रोका। उसने निडर होकर कहा, जब तक मेरी माता स्नान कर आएगी, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी इसे सुनकर चौंक गए। लड़के से उन्होंने पूछा, उसकी माता कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, पार्वती। शिवजी जोर से हंस पड़े, बोले, मैं उनका पति हूँ, इस घर का स्वामी भी। मुझे मेरी पत्नी के कमरे में जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। शिवजी के समझाने के बावजूद लड़का माता के आदेश अनुसार अपनी बात पर अड़ा रहा। इसे शिवजी को बड़ा गुस्सा आया।
उन्होंने आखिर नंदी से इस लड़के को पकड़कर बांध देने का आदेश दिया। नंदी लड़के पर टूट पड़ा मगर बेकार साबित हुआ। लड़के ने उसे झट से लाठी से मारकर नीचे गिरा दिया। अब शिव जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाकर लड़के के साथ लड़ने भेजा। गणों ने लड़के पर आक्रमण किया मगर लड़के ने सबसे साहस पूर्वक लड़ाई की। लड़ाई की बात फैल गई। अब तक सभी देवता इसका अंत देखने इकट्ठे हुए थे। स्थिति को बिगड़ते देख ब्रह्मा लड़के को शांत करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा के लड़के के पास आने से पहले लड़के ने उन्हें डंडा दिखाया और भगा दिया। इसे देख शिवजी आपा खो बैठे। अपना त्रिशूल लेकर वे लड़के की ओर बढ़े। परंतु लड़के ने विश्व के अधिपति को भी गिरा दिया। देवता इसे देख कांप गए। वे अविश्वास के साथ देखने लगे। भगवान विष्णु वही उपस्थित थे। वे बोले, इस लड़के में बड़ी ताकत है, उसे हम हरा नहीं सकते, उपाय से ही कुछ कर सकते हैं। अतः विष्णु जी ने उससे लड़ने का निश्चय किया। जब वे लड़ रहे थे, शिव जी ने पीछे से आकर उसका सिर काट दिया। स्नान कर पार्वती बाहर आई। उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसका क्रोध पूरे विश्व में फैल गया। आकाश कांपने लगा, सागर उबलने लगा, पहाड़ टूट कर चूर चूर हो गए, तेज हवाएं चलने लगी, सारा संसार अंधकार में डूब गया। देवता बड़े भयभीत हुए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती को शांत करें। शिवजी ने प्रार्थना की, हे पार्वती, विश्व माता, सारे जीव तुम्हारे ही बच्चे हैं, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्रोध उन्हें नष्ट कर देगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ। शिवजी का वादा सुनकर पार्वती शांत हुई। फिर भी उसने जोर दिया, मेरे बेटे को जीवित ही नहीं किया जाए बल्कि उसे गणों का नेता भी बनाया जाए। हमेशा उसी की प्रथम पूजा होनी चाहिए। इन मांगों को शिवजी मान गए। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ पहले उस जीवंत प्राणी का सिर ले आओ जो उत्तर की तरफ सिर रखकर सो रहा हो। नंदी चल पड़ा। उसने उत्तर की तरफ सिर रखे सोए हुए हाथी को देखा। उसने उसका सिर काट दिया और शिवजी के पास उसे ले आया। शिवजी ने लड़के के धड़ पर हाथी का सिर रखा। शीघ्र ही लड़का जीवित हुआ। उसे गणों के ईश गणेश कहकर बुलाया गया। देवताओं ने उसकी प्रशंसा के गीत गाए। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। गणेश को विघ्नेश्वर या विघ्नों को दूर करने वाला भी कहते हैं। उसकी प्रार्थना किसी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ में करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त भाग्यवान होता है।